एलजील M5 टेबलेट जो कि बनाई जाती है इंटास फार्मास्यूटिका प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। डोनी जेपिल्स 5 mg रहता है और मेमाटेंस 5 mg रहता है और ये टेबलेट 192 रुपीज़ का, ये 10 टेबलेट का पूरा स्टेप रहता है। ये टेबलेट जो कि ट्रीटमेंट करता है एजिमरीन डिसीज़ का, ये ट्रीटमेंट करता है एजिमरीन डिसीज़ में। क्या होता है कि ये जो एक डिसीज़ होता है जिसमें लर्निंग प्रोसेस कम हो जाता है और मेमोरी प्रोसेसन कम हो जाता है, कंजेस्टिव फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता है, तो ये टेबलेट इन सबको इम्प्रूव करता है और जिससे लर्निंग प्रोसेस अच्छा होता है, मेमोरी प्रोसेसन अच्छा होता है और कंजेस्टिव फंक्शन प्रॉपर रहता है ब्रेन से। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करता है, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो ये सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि आपको एलजील एम टेबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए, तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। एलजील एम 5 mg टेबलेट जो कि बनाई जाती है इंटास फार्मास्यूटिका प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। डोनी जेपिल्स 5 mg रहता है और मेमेंटेनिन 5 mg रहता है और 192 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जो कि ट्रीटमेंट करता है बहुत सारे केस में, जैसे कि एजिमरीन डिसीज़ का ये ट्रीटमेंट करता है और मॉडरेट टू सीवियर एजिमरीन डिसीज़ का ये ट्रीटमेंट करता है और इम्प्रूव करता है मेमोरी को और थिंकिंग के पावर को इम्प्रूव करता है। अगर आप इस टेबलेट को ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो वो साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, भूख का कम लगना, डाइजीनेस होना, हेडेक होना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना जो ड्यूरेशन बोले उतना ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये टेबलेट काम कैसे करता है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर जो दवाई डाली गई है वो दो दवाई डाली गई है, दोनों ही जैसे कि डोनी जेपिल्स एंड मेमेंटेरिन जो कि एक ट्रीटमेंट करती है एजिमरीन डिसीज़ का। डोनी जेपिन एक क्लोनी स्ट्रेंस इनिबिटर है और मेलेंडिपिन जो कि NMDA इनिबिटर है जो कि क्या करता है कि बैलेंस करके रखता है केमिकल मैसेंजर ब्रेन तक, जिससे क्या होता है ट्रांसमिशन होता है नर्व सेल से सिग्नल तक, तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।